लास्ट टाइम जो है ना हमने अपना जितना भी डेटा रिट्राइव करना था वेबसाइट पे कर लिया, आप देख सकते हैं आउटपुट में। अब इसको हमें फाइल में सेव करना है, तो फाइल में कोड मैंने लिखा है, इसको अनकमेंट करके और फिर मैं आपको समझाता हूँ कोड इस्तेमाल कैसे हो रहा था। हम सबसे पहले जो अब देखें जैसे विथ कमांड हमने फाइल विथ ओपन यानी फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस नाम की फाइल बन जाएगी सही। और विथ डॉट सी एस वी लगाना जरूरी है क्योंकि ये एक्सेल फाइल है, और आपको ऊपर डॉट इम्पोर्ट सी एस वी करना भी जरूरी है, इम्पोर्ट सी एस वी सही है। और यहाँ पे हम मोड होते हैं, ये रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, क्या फाइल को किस मोड में खोलना चाह रहे हो। मैंने जो है ना राइट मोड में फाइल को खोला, न्यू लाइन के ऊपर फाइल को ओपन करेंगे हर न्यू लाइन में सही। इसके बाद ये यू इनकोडिंग आपको जो है ना यू टी एफ एड करना ज़रूरी होता है, अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत सारे जो हमारे लिंक और हमने जो इमेज सोर्स का जो एड्रेस है वो हम रिट्राइव करवा रहे, तो उसके कुछ ऐसा कोड होता है जो हमारे पास फाइल में जाने से एरर आ सकता है, और वो आप समझ में नहीं आएगा कि आप कौन कौन सा एरर आ रहा है और क्या एरर आ रहा है। तो ये इसके लिए हमने यू टी एफ एट यूज़ किया है जो कि रिकॉर्डिंग में हमें आसानी कर देगी सही, फाइल को राइट करवाने में, फाइल के ऊपर डेटा को। अब राइटर हम राइटर बना रहे हैं, राइटर का वेरिएबल जो सी एच पी डॉट राइटर जो फंक्शन होता है, राइटर उसके अंदर फाइल को भेज देंगे, यानी हमने एक राइटर इनिशियलाइज करवा दिया कि जो फाइल पे कैसे लिखेगा राइटर सही है। अब राइटर को एक मैंने एक लिस्ट बनाई है जो हेडर के नाम की लिस्ट है सही है, ये आप बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं बनाना चाहते हो नहीं। इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट की जो डिटेल है ना, नहीं सेल्स सेल्स पे लिखेगा ये, कि जो हम सेंड करवाते हैं ना वो लिस्ट फॉर्म में करवाते हैं, यानी लिस्ट में फॉर्म है, तो पहला जो होता है वो पहला सेल में होगा, दूसरा दूसरे सेल में होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने राइट करवा दी है राइट रो करके हेडर के अंदर। अब इसके बाद हम जैसे ये सेल आप देख सकते हैं कि ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो ये हमारे पास सेल राइट हो रहे हैं, हमारे पास राइटर के जरिए हम राइट करवा दिए राइट रो के नाम से। अब कोड लूप चलाया प्रोडक्ट का, और ये प्रोडक्ट लिस्ट जो हमने ऊपर जो बनाई थी ना, ये पूरी लिस्ट 204 नाम की, 204 टाइम्स रेंज यानी जीरो से रेंज चलाएगा 203 तक, 204 है ना तो 203 तक चलाएगा, और पहले को उठाएगा, पहले को उठा के इसको करेगा डेटा को पूरे पूरी लिस्ट को जो हमारे पूरी लिस्ट है इसको इसी फॉर्मेट में हर सेल वाइज डालेगा हमारी सी एस यू फाइल के अंदर जो हमने फाइल बनाई है सही है। और फिर दूसरी लाइन डालेगा, तीसरी लाइन डालेगा, ऐसे एन लाइन तक 203 लाइन से 203 लाइन तक डालेगा सही है। हम क्या करते हैं, प्रिंट भी करवाते जा रहे हैं लाइन को, ऊपर प्रिंट को हम कमेंट कर देंगे, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे आई प्रोडक्ट मैंने आई फोर लुक प्रोडक्ट चलाया, फोर लुक में ज़्यादातर आई चलाता हूँ, और जो हमारे फोर लुक जो उसको है जो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा है उसको हम प्रिंट भी करवाते जाएंगे, और राइट रो करके जो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर डेटा है वो रो के अंदर भी अपेंड कर सॉरी राइट रो करवाते जाएंगे सही है। तो इससे क्या होगा कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, बारी बारी ये हमारे सी एस सी फाइल के अंदर एक्सेल फाइल है उसमें लिखी जाएगी। अब देखें ये जो आपको समझ आएंगे सेल वाइज लिखती है सही है, सेल वाइज लिखती है, और उसको तो इनकोडिंग है वहाँ यू टी एफ डालना है, और सिंपल यू टी ये हमारे पास इसके अंदर आता है, लिस्ट के अंदर आता है, उसको रन करेंगे ना तो हमारे पास देखिए ये एक फाइल भी यहाँ पे तैयार हो जाएगी बन जाएगी, और हमारे पास जो प्रिंट का स्टेटमेंट था सारी चीज़ें प्रिंट होगी, एक को प्रिंट किया ऐसे फाइल को अंदर डाला, दूसरे को प्रिंट किया फाइल को अंदर डाला। अगर मैं फाइल को खोलना चाहता हूँ ये, तो अब ये देखिए ये फाइल मेरे पास नज़र आ रही है हमारे फोल्डर के अंदर, और इसको मैं एक्सेल फाइल फॉर्मेट में जैसे एक्सेल में खोलूंगा तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है, पहले जो हमने रो हेडर भी डाला था वो हेडर हमारे पास बन गया है। तो थोड़ा सेल रो कॉलम पर एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि देखने में नज़र आए, ये पहला जो हमने रो डाला था वो रो नज़र आ गया, और टोटल हमारे पास 204 आइटम्स है, तो 205 टाइम्स ये हमारे पास 205 टाइम्स आएगा सही। आप देख सकते हैं 205 टाइम्स यानी एक पहले हमारे पास जो हमने हेडर डाला था फाइल उसका वन लाइन डाला है, बाकी 204 टाइम्स इसका नेम लिंक का एड्रेस और ये सारी चीज़ें हमारे पास बाकी कितने टाइम आया सही। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से हमने 204 टाइम 204 डेटा प्रोडक्ट को कुछ सेकंड्स के अंदर हमने इसको एक्सेल फाइल में डाल दिया, और ये हमें बहुत बेनिफिट आगे प्रोवाइड कर सकता है, यानी फ्री लांसिंग के अंदर ये बहुत काम आता है, ये जो हमारे पास के लिए फ्री लांसिंग में काम आती है। इसकी सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके सपोर्ट कॉल के लिए। थैंक यू।